नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक्स का बात करेंगे जो कि 320 रुपीज़ आपको डिविडेंड के रूप में दे रहा है। मतलब एक शेयर पे 320 रुपीज़ का डिविडेंड। समझ सकते हैं कि बहुत सारे स्टॉक्स का वैल्यू होता है हमारा 320 रुपीज़, और ये स्टॉक्स 320 रुपीज़ आपको डिविडेंड के रूप में दे रहा है। और पिछले जो रिकॉर्ड है उसमें भी 2013 में भी ये 360 रुपीज़ का डिविडेंड दे चुका है। तो चलिए आज ऐसे ही स्टॉक के बारे में हम आपको बताएंगे। मतलब ऐसे स्टॉक्स अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आपको बहुत ही ह्यूज अमाउंट डिविडेंड के रूप में प्राप्त होगा। मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को बिना शेयर को सेल किए कोई रिटर्न तो मिलता नहीं है जब तक शेयर को सेल नहीं करते हैं। लेकिन ऐसे शेयर अगर पोर्टफोलियो में हो जिसमें ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा हो और साथ ही साथ एक ह्यूज अमाउंट डिविडेंड के रूप में मिल रहा हो, तो ऐसे शेयर ही आपको मालामाल कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। तो ऐसे ही शेयर लेकर हम आपके पास आए हैं जो कि लगातार डिविडेंड दे रहा है, जिसका रिकॉर्ड भी रहा है। कई बार ये स्पेशल डिविडेंड के रूप में एक बार 360 रुपीज़ दिया है और इस बार 320 रुपीज़ दे रहा है। इस शेयर का यहाँ पर NSE में देख लीजिए, हमने यहाँ पर खोला हुआ है चार्ट, और NSE के चार्ट पर आप देख सकते हैं कि ये 320 रुपीज़ का डिविडेंड दे रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो स्पेशल डिविडेंड है 320 रुपीज़ का, एक्स डिविडेंड डेट है 6 मई। मतलब अगर आप 5 मई तक इसे बाय कर लेते हैं तो आपको ये भी डिविडेंड मिल सकता है। मतलब 320 रुपीज़ का डिविडेंड अगर आपको लेना है तो ये शेयर आपके पास 5 मई तक मतलब आपके बाय करना पड़ेगा, और जो इसका रिकॉर्ड डेट है उस डेट में आपके डीमैट अकाउंट में ये शेयर होना चाहिए। मतलब एक्स डिविडेंड से पहले आपको बाय करना है और रिकॉर्ड डेट में आपके डीमैट अकाउंट में शेयर होना चाहिए, तब आप भी इस डिविडेंड को ले सकते हैं। और ये कंपनी पहली बार ही नहीं है, देख सकते हैं कि 2019 में 22 रुपीज़ 50 पैसा का डिविडेंड, 18 में 20 रुपीज़ का डिविडेंड, 2017 में देख सकते हैं 15 रुपीज़ और 5 रुपीज़ 20 रुपीज़ का डिविडेंड, और फिर देख सकते हैं 2016 में 15 रुपीज़ का डिविडेंड। इस तरह से लगातार ये कंपनी डिविडेंड पे करती रही है। और आपका पीछे का रिकॉर्ड हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये हम कंपनी का जो पीछे का रिकॉर्ड है उसे भी निकाले हुए हैं। तो पीछे का रिकॉर्ड आपको हम दिखा देते हैं कंपनी का, कि जो कंपनी है जो पीछे भी लगातार डिविडेंड पे की है। तो देख सकते हैं हम पीछे का रिकॉर्ड निकाल लिए हैं, और 2013 में आ जाइए, 2013 यहाँ देख लीजिए, 2013 360 रुपीज़ का, यहाँ देख सकते हैं 360 रुपीज़ का इंट्रीम डिविडेंड। और सिर्फ इतना ही नहीं, देख सकते हैं यहाँ पर 20 रुपीज़ और 12 रुपीज़ जोड़ दीजिए, कितना हो गया 32 रुपीज़। मतलब 32 रुपीज़ 50 पैसा डिविडेंड के रूप में 2013 में, कुल कितना हो गया आप ऐड कर लीजिए, 392 रुपीज़ डिविडेंड के रूप में। दोस्तों अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के अकाउंट में मात्र 100 शेयर हो इस स्टॉक का, तो वो जो है अभी 30,000 से ऊपर डिविडेंड के रूप में प्राप्त करेगा मात्र 100 शेयर हो। तो समझ सकते हैं ऐसे स्टॉक्स अगर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में आपके पास है तो ये स्टॉक्स आपको बहुत ही एक ह्यूज अमाउंट अर्न करके दे रहा है। मतलब एक ह्यूज अमाउंट आपको डिविडेंड के रूप में दे रहा है। और साथ ही साथ बताते हैं डिविडेंड जो है आपका वो टैक्स फ्री होता है। मतलब 10 लाख रुपये तक अगर डिविडेंड आप सालाना प्राप्त करते हैं तो 10 लाख रुपये तक आपका डिविडेंड जो है वो टैक्स फ्री है। 10 लाख से जैसे आप ऊपर जाते हैं तो वो उस पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है, 10 लाख रुपये तक डिविडेंड जो है वो टैक्स फ्री है। तो समझ सकते हैं इतना ह्यूज अमाउंट डिविडेंड के रूप में दे रहा है। तो चलिए अब आपको इस शेयर से रूबरू कराते हैं। ये शेयर है हमारा Pfizer लिमिटेड, ये शेयर है हमारा Pfizer लिमिटेड, और जो हमने आपको पीछे दिखाया उस जगह नाम यहाँ पर छुपा हुआ था। देखिए ये जो हम डिविडेंड आपको दिखाए ये 2013 में हर साल ये डिविडेंड पे किया है लगातार रिकॉर्ड। इसका फेस वैल्यू 10 है, फेस वैल्यू 10 है। देखिए आपको हम ऊपर ले जाते हैं, ऐसा नहीं लगे कि ये कोई दूसरी कंपनी है। यहाँ देखते हैं Pfizer लिमिटेड, और नीचे इसी का डिविडेंड था, आप यहाँ पर देख सकते हैं, देख सकते हैं 3600% का डिविडेंड। यहाँ पर जो इंट्रीम डिविडेंड दे रहा है 6 मई रिकॉर्ड डेट है, एक्स डिविडेंड डेट है। यहाँ पर भी देख लीजिए नेम Pfizer लिमिटेड, देख सकते हैं। और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेगा तो देख सकते हैं प्रमोटर्स के पास 63.92% प्रमोटर्स के पास है शेयर, और जो है रेस्ट शेयर वो पब्लिक के पास है। और यहाँ से आप जो है इसका जो ट्रेडिंग है वो भी देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं पोजिशनल डिलीवरी
यहाँ पर क्लिक कीजिए। देखिए 31% जो है जो ट्रेडिंग हुआ है आज हमारा, आज का जो ट्रेडिंग क्लोज हुआ तो उस समय 31.77% जो है डिलीवरी लिया गया है इस शेयर का, इतना परसेंट का डिलीवरी आज का। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लिए तो साथ साथ प्रमोटर्स का शेयर कितना प्लेस्ड है ये भी देख सकते हैं। कोई भी शेयर प्लेस्ड नहीं है ऐसे भी समझ सकते हैं। जो कंपनियां इतना इतना अमाउंट डिविडेंड के रूप में दे रही है निश्चित ही वो कंपनियां डेब्ट फ्री होगी, मतलब निश्चित ही उसके ऊपर बहुत ही कम डेब्ट होगा। और ये शेयर जो है एक मिड कैप कंपनी का शेयर है, कोई लॉन्ग मतलब लार्ज कैप शेयर नहीं है, एक मिड कैप कंपनी का शेयर है, समझ सकते हैं इतना बड़ा डिविडेंड। तो चलिए हम अब इसका कुछ चार्ट एनालिसिस करते हैं। तो ये वन डे का देख सकते हैं, आज ये इसके प्राइस में कुछ गिरावट देखने मिली है 0.73% और आज का जो क्लोजिंग है इसका 4818 रुपीज। और जो अभी इंट्रेंसिक वैल्यू से करेंट प्राइस जो है वो मोर है, अधिक है, या एफडी से हमेशा अच्छा रिटर्न जनरेट किया है, लेकिन ये अट्रैक्टिव डिविडेंड यहाँ लिखा हुआ नहीं ऑफर करता है, लेकिन ये वेबसाइट गलत है क्योंकि आपको हमने दिखाया है बहुत ही अट्रैक्टिव डिविडेंड देता है ये कंपनी। स्टॉक इज ओवर बाउट जोन, गुड टाइम टू नॉट ए गुड टाइम टू इन्वेस्ट, क्योंकि इसमें ओवर और बहुत ही ज़्यादा बाइंग हुआ है इस स्टॉक का, मतलब अभी देखने हैं कि 320 रुपीज़ का डिविडेंड दे रहा है तो निश्चित है कि बहुत सारे लोग बाइंग करेंगे डिविडेंड के लिए। उसके बाद आगे चलते हैं हम वन वीक का रिटर्न देखते हैं। तो देखते हैं वन वीक में ये 15% अप है, फिर वन मंथ में देख लीजिए, वन मंथ में 29% अप है, फिर वन ईयर में देखिए 53% का रिटर्न दे रहा है। आप देख सकते हैं फाइव ईयर्स में 139% का डिविडेंड देख सकते हैं। आप यहां पर बाइंग कर सकते थे, देख सकते हैं जब ये 2017 में, फिर अब यहां पर बाइंग करना था तो आप 2019 के अगस्त में बाइंग कर सकते थे, मात्र 2900 का ये स्टॉक था, मतलब 3000 से भी कम का स्टॉक था। मैक्सिमम ईयर में देखते हैं, मैक्सिमम देख सकते हैं कितना अच्छा रिटर्न जनरेट करके ये दिया है, और साथ ही साथ बहुत ही अच्छा अमाउंट दे रहा है डिविडेंड के रूप में, बहुत अच्छा अमाउंट डिविडेंड के रूप में। कोई यहाँ पर बाइंग किया होगा, देख सकते हैं 2013 तक तो उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो डिविडेंड के रूप में ही उसे मिल गया, मात्र 2 साल के ही डिविडेंड के रूप में उसका प्रिंसिपल अमाउंट मिल गया, इस साल और जो 13 है उस समय, दोनों जोड़ दीजिए तो प्रिंसिपल अमाउंट उसी में आ गया उसका। तो इतना बेहतरीन स्टॉक्स अगर आपको कभी भी लो वैल्यू पर मिलता है तो ऐसे बेहतरीन स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में अवश्य रखें। आगे देखते हैं हम, तो पी रेशियो देखते हैं 51 का है और सेक्टर का पी रेशियो 32 है, तो अभी बहुत ही हाई पी रेशियो पर मिल रहा है आपको। तो उसके बाद पीवी रेशियो देख सकते हैं, पीवी रेशियो 7.32 है, सेक्टर का 3.61 है, तो पीवी रेशियो भी बहुत हाई है। और डिविडेंड यील्ड तो देख ही रहे कि इसका ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो इंट्रीम डिविडेंड देता है, स्पेशल इंट्रीम डिविडेंड, वो बहुत ही खास है, क्योंकि एक ही बार आपको ये सारा का सारा जोड़ करके डिविडेंड यील्ड अपना बहुत ही खास, बहुत ही बेहतर बना देता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि 2013 में भी दिया था इंट्रीम डिविडेंड 392 रुपीज़ का, और इस बार भी दे रहा है 320 रुपीज़ का। तो आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या है हमारा, देखते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड। तो ये फाइनेंशियल ट्रेंड है इस कंपनी का, रेवेन्यू प्रॉफिट देख सकते हैं, प्रॉफिट में लगातार वृद्धि हुआ है, देख सकते हैं प्रॉफिट लगातार इंक्रीज किया है। रेवेन्यू में देख सकते हैं बीच में गिरावट हुआ था, फिर ये रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है। और यहाँ पर पढ़ सकते हैं होल्डिंग्स के बारे में, कोई भी प्रमोटर्स का होल्डिंग प्लेज नहीं है, म्यूचुअल फंड कॉन्स्टेंट है, तो सब चीज़ अच्छा चल रहा है। प्रॉफिट अर्निंग रेवेन्यू बिट्स इन क्वार्टर वन, देख सकते हैं यहाँ पर पी फाइजर अर्निंग्स रेवेन्यू बीट द क्वार्टर वन में जो रेवेन्यू है वो एस्टीमेट को बीट कर देगा, मतलब जितना एस्टीमेट था सबका उससे अधिक रेवेन्यू आने वाला है क्वार्टर वन में। तो देख सकते हैं ये सारा का सारा जो एनालिसिस था आपको बताने के लिए कि ऐसे अच्छे स्टॉक्स जिस जो कि अच्छा डिविडेंड देता हो, एट्रैक्टिव डिविडेंड दे रहा हो, साथ साथ एट्रैक्टिव प्राइस पर मिले, तो ज़रूर बाइंग कीजिए। अभी इसमें बाइंग करने का समय नहीं है, क्योंकि अभी जो देख सकते हैं इंट्रेंसिक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा है स्टॉक का प्राइस, तो जैसे इसमें थोड़ा सा करेक्शन आता है तब आप इसमें बाइंग कर सकते हैं।
तो अभी ये जो है 4818 रुपीज, इस पर आप बाइंग ना करें, इस पर थोड़ा करेक्शन होने दें, और जैसे करेक्शन आता है तब आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। मतलब जो अपने वन ईयर का लो है देखते हैं 2792, इसके आसपास आता है, मतलब 3000 के आसपास आता है, तब इसमें बाइंग करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो अभी तो फार्मा स्टॉक्स ऐसे भी परफॉर्म कर रहा है, अभी फार्मा स्टॉक्स आपको नए नए हाई बनाते हुए देखने मिलेंगे, तो अभी वेट एंड वॉच कीजिए। अगर वेट एंड वॉच कीजिए आप, ऐसा ना कि डिविडेंड लेने के लिए आप इसमें इन्वेस्ट कर दें और जैसे डिविडेंड का एक्स डेट ख़त्म होता है ये स्टॉक्स आपको कहीं नीचे आता हुआ मिले। अगर ये स्टॉक्स को आप डिविडेंड के लिए अभी बाय करते हैं लेकिन डिविडेंड के एक्स डेट के बाद भी ये प्राइस लगातार हाई होता है तो आपके लिए बेहतर है, तब आप स्टॉक्स डिविडेंड भी आपके पास आ जाएगा रिकॉर्ड डेट के बाद और स्टॉक्स को भी बेच करके आप निकल सकते हैं। लेकिन सारा का सारा डिसीजन आपका होगा, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें और इस स्टॉक्स में आप तभी इन्वेस्ट करें जिसमें जैसे इसमें करेक्शन आता है। आप जो अभी जो देख रहे हैं फार्मा स्टॉक्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनने के लिए आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए, इंट्रेंसिक वैल्यू का इंतजार करना चाहिए। जो स्टॉक का इंट्रेंसिक वैल्यू होता है, मतलब जो आप फंडामेंटल रिसर्च करके इसका वैल्यू निकालते हैं कि कौन सा वैल्यू इसका होना चाहिए कंपनी के फंडामेंटल्स के अनुसार, उस वैल्यू पर आता है तो आप इस बाइंग कर सकते हैं। ऐसे अच्छे स्टॉक्स आपको हमेशा हायर प्राइस पर ही मिलेंगे, मतलब जो अच्छे स्टॉक्स हैं आपको इंट्रेंसिक वैल्यू से ज़्यादा प्राइस पर ही देखने के लिए मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।